सफर है ये सफर है, कहानियों का ये सफर है। एकमात्र पुत्री के विवाह के उपरांत मिसेस गुप्ता एकदम अकेली हो गई थी। गुप्ता जी तो उनका साथ कब का छोड़ चुके थे। एक बेटी थी, वो भी पराए घर की हो गई थी। नाते रिश्तेदारों ने औपचारिकता निभाने के लिए एक दो बार कहा भी था, अब बुढ़ापे में अकेली कैसे रहोगी, हमारे साथ ही रहो। और बेटी दामाद ने भी बहुत अनुरोध किया था अपने साथ रखने का, परंतु वो किसी के साथ जाने को सहमत नहीं हुई। शाम के वक्त छत पर ठंडी हवा में घूमते हुए घर के पिछवाड़े हॉस्टल के छात्रों को क्रिकेट खेलते देखना उन्हें बहुत भाता था। कई बार बच्चों की बॉल छत पर आ जाती तो वो दौड़कर उसे फेंकती, तो लगता मानो उनका बचपन लौट आया हो। कई बार उनके न दिखने पर बच्चे उन्हें स्वयं बुलाने पहुंच जाते, तब मिसेस गुप्ता उनसे पल भर में ढेरों सवाल पूछ बैठती। बेटा कौन से साल में पढ़ते हो, घर की याद नहीं आती क्या, यहां खाना कैसा मिलता है, आदि आदि। इस तरह बच्चों से आंटी का लगाव बढ़ने लगा था। वो कभी उन्हें जबरदस्ती अपने हाथ की खीर खिलाती तो कभी तीज त्योहार पर सारे बच्चों को खाने का न्योता देकर बड़े प्यार से खाना खिलाकर भेजती। कई बार मैदान में झगड़ते देख उन्हें डांट लगाने में भी पीछे नहीं रहती। बच्चों को भी उनमें एक मां दिखने लगी थी। छात्रों की परीक्षा समीप आ गई थी, खेल के मैदान में आना कम हो गया था। मिसेस गुप्ता कुछ उदास रहने लगी थी और कुछ दिन से स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। पढ़ाई करते हुए एक छात्र को आंटी की याद आ गई तो कुशल क्षेम पूछने उनके घर पहुंच गया। देखा मिसेस गुप्ता तेज बुखार से तप रही थी। बात पूरे छात्रावास में आग की तरह फैल गई। अनेक जांच के बाद डॉक्टर ने बताया, फीवर तो जल्द ठीक हो जाएगा पर कमजोरी बहुत ज्यादा है, खून चढ़ाना पड़ेगा। इनके परिवार से कौन है, सारे छात्र एक स्वर में बोल पड़े। मैं हूं डॉक्टर साहब, मैं हूं डॉक्टर साहब, मैं हूं डॉक्टर साहब। अपने इतने विशाल परिवार को देखकर मिसेस गुप्ता की आंखों से खुशी के मोती लुढ़क पड़े और डॉक्टर भी भावुकता को न छुपा सका। और हमें भी भावुकता के समंदर में छोड़ती ये लघु कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। अपनेपन से बड़ा कोई और जीवन मूल्य नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। उम्मीद करता हूं सुनीता त्यागी जी की लिखी ये लघु कथा परिवार आपको जरूर पसंद आई होगी। लाइक बटन दबाकर आपकी पसंदगी जरूर जाहिर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिए। अगले पड़ाव पर एक नई लघु कथा कहानी नज़म गजल के साथ मैं फिर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार। सफर है ये सफर है, कहानियों का ये सफर है।